तो दोस्तों फाइनली हमें डेडपुल 3 का पहला ऑफिशियल टीजर ट्रेलर मार्वल स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल चुका है, जहां इस मूवी का नाम डेडपुल 3 से बदलकर डेडपुल एंड वुल्वरीन कर दिया गया है। और इस मूवी के अंदर हम सभी का फैन फेवरेट डेडपुल एमसीयू के अंदर दिखने वाला है। और अगर आपने इस टीजर को हिंदी में देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस मूवी में डेडपुल की वॉइस डबिंग वापस से संतरे मात्रे करने वाले हैं, ना कि कोई एरा गैरा बॉलीवुड एक्टर, बिकॉज संतरे मात्रे की जो वॉइस है वो डेडपुल के ऊपर काफी अच्छी तरह सूट करती है। इस टीजर के अंदर हमें ज्यादा कुछ डिटेल्स रिवील नहीं की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। बट जो कोई भी डिटेल्स हमें यहाँ दिखाई गई थी, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है डेडपुल के बर्थडे सेलिब्रेशन से, जहाँ हम डेडपुल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। एंड उसके चारों तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें डेडपुल सबसे ज्यादा पसंद करता है। एंड इन सभी कैरेक्टर्स को हम डेडपुल 1 और डेडपुल 2 मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं। इवन यहाँ पर हम पीटर और सैटर स्टार को भी देख सकते हैं, जिनको डेडपुल ने डेडपुल 2 मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल करके बचाया था। इस टीजर के अंदर हमें ये पता चलता है कि डेडपुल अपनी सुपर हीरो लाइफ को छोड़ चुका है और वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब करके अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहा होता है। और इस टाइम डेडपुल के पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था। लेकिन तभी एंट्री होती है टीवीए एजेंट्स की, जो डेडपुल को पकड़कर टीवीए ले जाते हैं। एंड हाँ, यहाँ पर टीवीए के एजेंट्स की यूनिफॉर्म को पहले से चेंज कर दिया गया है। इसके बाद हम डेडपुल को टीवीए के अंदर देखते हैं। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि टीवीए के अंदर डेडपुल ने किसी भी टाइप का कॉलर नहीं पहना हुआ और ना ही उसे टीवीए की कोई आउटफिट पहनाई गई, जैसे लोकी को पहनाई गई थी। जिसका मतलब है कि लोकी सीजन 2 के बाद अब टीवीए का काम करने का तरीका बदल चुका है। वैसे ये आदमी जो डेडपुल से बात कर रहा है, इसका नाम पैराडॉक्स है, जो कि कॉमिक्स में एक टीवीए का एक जज होता है। आगे पैराडॉक्स डेडपुल को टीवी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें हम आयरन मैन, अवेंजर्स और थॉर को देख सकते हैं। और फिर इसके जस्ट बाद हम टीवी स्क्रीन पर कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिन्हें देखकर डेडपुल सल्यूट मारने लगता है। इसके बाद हम डेजर्ट में कई सारी गाड़ियों को कहीं जाते हुए देखते हैं और यहीं से हमें बैक साइड से एक फीमेल कैरेक्टर भी दिखाई जाती है, जो कि शायद से इस मूवी की मेन विलन एमा क्लॉन हो सकती है, या फिर शायद से ये अपने एक्समैन टीम के प्रोफेसर एक्स भी हो सकते हैं। अभी एक्चुअल में कौन है ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। आगे हम डेडपुल को एक कसिनो में देखते हैं, जहां हमें वुल्वरीन एक व्हाइट सूट में बैठा हुआ नजर आता है। हालांकि यहाँ पर हमें वुल्वरीन के फेस को नहीं दिखाया गया, बट शायद से डेडपुल इस कसिनो में वुल्वरीन से ही मिलने आया होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेडपुल का सूट अप, जो कि टीवीए के अंदर हो रहा होता है। एंड आई थिंक यही वो टाइम होगा जब डेडपुल टीवीए के अंदर अपने पहले मिशन पर जाएगा। और इस सीन को देखते टाइम ऐसा लग रहा है कि डेडपुल ने काफी टाइम बाद अपने सूट को दोबारा पहना है, जहां वो इस सूट को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। देन इसके बाद हम डेडपुल के फाइटिंग सीन्स देखते हैं, जिसमें डेडपुल टीवीए के ही एजेंट्स को मार रहा होता है। अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो ये लोकेशन शायद से एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग वाली लोकेशन है, जहाँ सभी अवेंजर्स ने मिलकर हाइड्रा पर अटैक किया था, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े बड़े टैंक्स को भी उल्टा गिरा हुआ देख सकते हैं। और इससे पहले डेडपुल को टीवीए के अंदर एज ऑफ अल्ट्रॉन की इसी लोकेशन की पिक्चर्स दिखाई गई थी, तो शायद से ये वही जगह हो। अगले सीन में हम अलाइथ को एक टीवी एजेंट्स को उठाकर ले जाते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि डेडपुल यहाँ पर अब प्रोन हो चुका है और अलाइथ को देखकर डेडपुल की पूरी तरह से फट चुकी है। आगे हम डेडपुल को गाड़ी से बाहर फेंकते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, जहाँ उसका टूटा हुआ हाथ कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो गया था। इसके साथ ही हमें यहीं पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है, जिसके पीछे हम अवेंजर्स 1 मूवी में दिखाए गए उस बड़े से मॉन्स्टर के बॉडी का हिस्सा और टूटे हुए हेलीकैरियर को भी देख सकते हैं। और इसी शॉट में हम इस डिवाइस को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि शायद ये डिवाइस अलाइथ को कंट्रोल करने या फिर उसे बुलाने के लिए होगा। इसके बाद हम अगले सीन में एक्समैन में दिखाए गए पायरो को देखते हैं, जो कि काफी सालों बाद दोबारा से नजर आया है। अगर आपको याद हो तो ये कैरेक्टर हमें लास्ट टाइम एक्समैन 2 मूवी में नजर आया था, एंड अब ये कैरेक्टर हमें इस मूवी में दिखने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम डेडपुल को एक ट्रक के पीछे छुपते हुए देखते हैं, जहां वो अपने हाथों से टीवी एजेंट्स को रुकने के लिए बोलता है। एंड ये सेम सीन हम डेडपुल 1 मूवी के अंदर भी देख चुके हैं। इसके बाद आगे हम डेडपुल को जमीन पर लेटा हुआ देखते हैं, जहां उसके बगल में सीक्रेट वॉर कॉमिक का इशू नंबर 5 पड़ा होता है, जिसके कवर पर बियॉन्डर और डॉक्टर डूम होते हैं, जो कि शायद से यहाँ पर रेफरेंस था डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर्स मूवी का। एंड इसके बाद यहीं पर हमें वुल्वरीन की दूसरी झलक दिखाई जाती है। एंड ये तो हम सभी को पता है कि इस मूवी में यही वो मोमेंट होगा जब वुल्वरीन डेडपुल से मिलेगा और साथ ही वुल्वरीन डेडपुल को धोएगा और उनके बीच हमें काफी कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ ये टीजर यहीं पर खत्म हो जाता है। हालांकि इस टीजर के अंदर हमें ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है, क्योंकि टीजर में जितना कम दिखाया जाएगा मूवी में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यही था डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी का टीजर का ब्रेक डाउन। आपको ये ब्रेक डाउन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज यार एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर पड़ी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो।